एपिसोड नंबर 13, दैट मिसिंग 1%। साजन पूरा साल मेहनत किया, इस साल भी 5 ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए थे जिसके अंदर अगर काम हो जाता ना तो लाइफ 360 डिग्री टर्न अराउंड हो जाता। हर साल ऐसा होता है, 99% पहुंच गया था लेकिन वो लास्ट 1% जब बाकी था ना तो जिंदगी ने वापस धोखा दे दिया और वापस जीरो पर आ गया। अगर मैं मेरी लाइफ कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो पिछले कई सालों में मेरी जिंदगी के अंदर इतने सारे ऐसे मौके आए थे जिन मौकों के अंदर मैंने मेरा मोर देन 1000% दे दिया था, काम 99% पर पहुंच गया था साजन, लेकिन वो जो लास्ट 1% मिसिंग था ना वो नहीं हुआ और वापस मैं जीरो पर आ गया। ऐसा होता है ना अपनी जिंदगी में, राइट? आज इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, वो लास्ट 1% जो है वो कैसे फुलफिल हो सकता है। देखो दोस्तों, दो वर्ड होते हैं, एक जिसे मैं कहता हूं डिजायर, मतलब कि इच्छा रखना, दूसरा डिजर्विंग बनना, मतलब कि उस चीज को अचीव करने के लिए वो लायकात, वो कैपेबिलिटी जनरेट करना कि हम उसके लिए डिजर्विंग है। डिजायर के पीछे हम इतने ज्यादा भागते हैं लेकिन शायद डिजर्विंग बनना भूल जाते हैं और उसकी वजह से वो जो मिसिंग 1% होता है ना वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होता। मेरे सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो जो लास्ट मिसिंग 1% जो है ना वो सिर्फ दो चीज़ों से कंप्लीट होता है, नंबर 1 डिजर्विंग बनने से एंड नंबर 2 किसी की दुआओं से। मैं कोई आध्यात्मिकता या फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रहा हूँ लेकिन शायद सालों की जो जर्नी है स्ट्रगल की, हसल की, ये एंड डिजर्विंग बनने से ही होती है। ये कहानी है एक ऐसे बिजनेस टाइकून की जिसके पास अपनी जिंदगी के अंदर बेशुमार पैसा था, हजारों करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट के अंदर थे और वो लाखों लोगों की मदद करता था। पूरे शहर के अंदर उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ अमेजिंग पॉजिटिव न्यूज थे कि अगर इसके दर पर कोई भी जाता ना तो कभी भी खाली हाथ नहीं आता। एक मोमेंट पर ऐसा हुआ कि ये जो बिजनेस टाइकून थे उनकी एज हो गई, अनफॉर्चुनेटली उनके आगे पीछे कोई नहीं था। तुमको ऐसा था कि यार अगर मैं चला गया तो मेरे बाद ये पूरी की पूरी चीजों को कौन संभालेगा। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया और पूछा कि इसका कोई सोल्यूशन दो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि सर एक काम करो, आप है ना हम में से ही किसी को चुन लो जो आपकी पोजीशन को संभाले, बिकॉज सबको पता है कि आप कैसे काम करते हो। बॉस ने कहा नहीं, एक काम करो पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लगा दो, आने वाले एक महीने तक कोई भी इंसान आ सकता है, मुझे मिल सकता है, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा और जब मुझे इंटरनली ऐसा लगाना कि नहीं यार ये इंसान राइट है मैं उसको ये सारी की सारी चीज़ें डिवोट कर दूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि काम कर सर कुछ स्क्रूटिनी लिस्ट बना के रखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कैटेगरी वाले लोग ही आ सकते हैं। बॉस ने कहा नो, कोई भी आ सकता है, जो अपने आप को कैपेबल माने वो इधर आ सकता है, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा, सही लगा ये सारी की सारी चीज़ें कल से उसकी। इंटरव्यू की सीजन स्टार्ट हुई, एक दिन, दो दिन, पाँच दिन, दस दिन, बीस दिन, नो रिजल्ट्स। ऑफिस के अंदर बॉस का एक ट्यून था, उसका बेटा घर के अंदर अपने पापा को कहता है पापा एक ट्राई करने दो ना कि मैं भी इंटरव्यू के लिए जाना चाहता हूँ। पापा ने कहा बेटा अपनी हैसियत नहीं है कि हम ऐसी जगह पर जाए और ऐसे इंटरव्यू दें, बहुत रिक्वेस्ट किया कि पापा प्लीज़ जाने दो ना। पापा ने कहा देख ले तुझे जाना तो एक बार तू भी चेक कर ले। अब कबोर्ड जब खोला तो एक भी कपड़े ऐसे नहीं थे जिसके अंदर होल्स ना हो। दोस्त को फ़ोन किया और बोला कि भाई काम करना कि एटलीस्ट एक तेरा वो जो नया जैकेट था ना 4-5 घंटे के लिए दे देना, उधारी के अंदर जाइए एक इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो उसके पास उधारी जैकेट लिया, वो फटे हुए शर्ट के ऊपर जैकेट पहना, ऑफिस कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, चलना स्टार्ट किया। रास्ते में एक मंदिर आ रहा तो उसने सोचा कि काम करता हूँ भगवान को मिल लेता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ कि भगवान प्लीज़ एक बार सुन ले, बिकॉज अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल गया ना तो शायद ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। मंदिर के अंदर जाता है, दोस्त हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है कि भगवान कुछ भी करो लेकिन यार ये अपॉर्चुनिटी जो है ना उसे कुछ भी करके सक्सेसफुली मैं कंप्लीट कर दूँ ना, ऐसा कुछ चमत्कार करूँ, बिकॉज अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया ना तो मेरा परिवार जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा है ना वो इधर से बाहर आ जाएगा और मेरे जैसे हजारों परिवार जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं ना मैं उनको भी बाहर ला दूंगा। और हाथों हाथ पापा के बॉस ने जो इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया हुआ है ना उसके अंदर जितने भी लोग हैं उन सबकी ज़िंदगी के अंदर मैं हो सके अपनी लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रेथ तक कंट्रीब्यूशन करूंगा। ऐसे भगवान को पूज लेता है, प्रसाद प्रसाद खा लेता है, ऐसे मंदिर की सीढ़ियाँ उतरता है ना वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए होते हैं, ठंड की वजह से शिवर कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ भगवान के नाम पर कुछ दे दो।
अब अनफॉर्चुनेट उसके पास कुछ था नहीं, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसको ऐसा लगा कि भाई एक काम करता हूँ कि चाचा मेरे पास और तो कुछ नहीं देने के लिए, काम करो। उन्होंने जैकेट निकालता है और जैकेट बुजुर्ग इंसान को दे देता है और वो क्यू के अंदर खड़ा रह जाता है। कुछ मिनट के बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। जैसे ही वो बॉस के चेयर पर देखता है ना, तो बॉस की चेयर पर वही बुजुर्ग बैठे होते हैं कि जिन्होंने मंदिर के बाहर इसके पास से जैकेट लिया था। ये देखकर ये टोटली शॉक एंड सरप्राइज हो जाता है। अब मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलते हैं और अभी तो वो कुछ बोले उसके पहले बॉस कह देते कि मेरी ये जो पोजीशन है ना, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, कल से इसका हकदार तू है। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो, आपने तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया है। कि बेटा जब तू मंदिर के अंदर जा रहा था ना उस लोकेशन पर, मैं मंदिर पर एग्जिट ले रहा था और जब मैं अपने शूज पहन रहा था ना, तो मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली थी, उससे मुझे पता चला कि तू कौन से विचार के साथ मुझे मिलने के लिए आ रहा है। और मैं जानबूझ के मंदिर के नीचे खड़ा हुआ था और शिवर कर रहा था, जस्ट बिकॉज तेरे विचार तो अच्छे थे लेकिन मैं तेरा वर्तन भी देखना चाहता था, मैं तेरा बिहेवियर भी देखना चाहता था। और जब तूने तेरा जैकेट दिया, जब तेरे पास कुछ नहीं था, तो उस रिलेशन पर मैं समझ गया था कि जिसका विचार और जिसका वर्तन, मतलब जिसके थॉट्स सोचे, इसका बिहेवियर इतना अलाइंड हो, इतना पॉजिटिव हो और इतना राइट इंटेंशन वाला होना, वही हकदार है इस पोजिशन का। कहानी बहुत छोटी थी लेकिन सार बहुत बड़ा कहेंगे। आपके जेब में पैसा हो या ना हो, आपके पास साल के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आए या ना आए, अगर आपने अपना इंटेंशन राइट रखा है, अगर आप हर रोज हसल कर रहे हो, तो जिस दिन डिजर्विंग बन जाओगे, जिस दिन आपने वो सारा नेचर कल्टीवेट कर दिया होगा ना, उस दिन वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। लेकिन अक्सर होता है क्या है कि डिजायर 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 मोटिवेशन 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 के खेल के अंदर हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब एक या दो सपने अचीव नहीं होते ना, तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ज़िंदगी बहुत ख़राब है, कि शायद यही ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दोस्तों ऐसी बात हुई कि हमने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या फिर साइकिल चलाई हुई है और अचानक से हमें कोई अगर स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर दे, तो क्या आप उस स्पोर्ट्स कार के साथ जस्टिस कर पाओगे? आप कहोगे नो, क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है। लाइफ आपको जितना ज़्यादा हसलिंग मोमेंट्स दे रही है, वो हर एक हसलिंग मोमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं वो आपको और ज़्यादा डिजर्विंग बना रही है। अब लोग साजन कितने सालों तक ये सुनेंगे, वो 1% खत्म ही नहीं होता। माइट भी शायद ज़िंदगी आपको जो सिखाना चाहती है ना, अभी भी आप उसे सीख नहीं रहे हो। वो सिखाना चाहती है आपको 10 चीज़ें, आप परिस्थिति के अंदर सीख रहे हो 2 चीज़ें। इसीलिए बार बार ज़िंदगी ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके लिए रिपीट 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 करती रहती है। कोरोना महामारी के अंदर भी अगर इंटेंशन पॉजिटिव है, अगर आज भी देने की भावना है, अगर आज भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जुस्सा है, तो मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव करने के लिए कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस अगर ठान लिया करना है, थिंग्स विल चेंज। डे 13 का चैलेंज बहुत ही ब्यूटीफुल है आप लोगों के लिए। यह आपको ज़िंदगी में डिजर्विंग बनना सिखाएगा। कैसे? अंडरस्टैंड ऑलवेज वन थिंग, आप अपनी लाइफ के अंदर जितनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करोगे, यू विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। मतलब आप ज़िंदगी में जितनी चीज़ें छोड़ोगे, वो डायरेक्टली डिसाइड करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कितना ग्रोथ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, 28 डेज तक डाइट किया है, राइट, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वन फाइन डे कोई पार्टी के अंदर जाते हो और कोई कहता है कि भाई एक दिन के लिए खा लेना गुलाब जामुन, और आप खा लेते हो, खत्म। कॉम्प्रोमाइज़ करना सिंपल मीनिंग ये है कि वो जो एक पर्पज़ है, वो जो एक गोल है, वो जो एक वजूद है कि कहीं पर पहुँचना है, उसके लिए यू हैव टू गेट दैट करेज कि सब चीज़ को ना बोल सको। जिस दिन 1000 चीज़ें जो आपकी फेवरेट है उसको ना बोलने का करेज आ गया ना, उस ड्यूरेशन पर वो जो एक चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उसे आप अचीव कर लोगे। आज दिन तक आपने कैसे लिस्ट बनाए कि भाई प्लानिंग ऐसे करना है, स्ट्रेटजी ऐसे करना है, हम ऐसे अपने गोल को अचीव करेंगे, ऐसे हेल्दी होंगे, हम हमारी ज़िंदगी को ऐसे चुनेंगे। आज कुछ अलग करो। आज सबसे पहले है ना, 1 साल तक आप कितनी चीज़ें छोड़ सकते हो ना, उसका लिस्ट बनाओ अपने उस गोल के लिए। माइट बी सोशल फंक्शंस हो सकते हैं, माइट बी पार्टीज हो सकती है, माइट बी सारी प्लेजरेबल चीज़ें हो सकती है जहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। मेक श्योर एटलीस्ट 10 से 15 ऐसी चीज़ें लिखो कि जो आने वाले 1 साल तक आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ताकि वो वन ब्यूटीफुल थिंग जो आपका पर्पज़ है, जो आपका विजन है, उसे आप अचीव करो। डिजर्विंग बनो माई डियर फ्रेंड, डिज़ायर खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। और अगर डिजर्विंग नहीं बनोगे, तो चाहे कितने बड़े डिज़ायर क्यों नहीं रखे, एंड ऑफ द डे सिर्फ 2 ही चीज़ों का, एक अपसेटिंग फील करोगे और ज़िंदगी को कोसते रहोगे। माई डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड वन थिंग, ये लड़ाई आपकी है और ये आपको खुद को ही लड़ना है। बस अपने आप को डिजर्विंग बनाने के लिए 1% जो मिसिंग था ना, उसके लिए कोशिश करते रहो, मोमेंट आएगा। जैसे डिजर्विंग बनोगे,
लाइफ विल टर्न अराउंड. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन एंड, इट इज ऑलवेज यू वर्सेस यू माय डियर फ्रेंड्स.